Good morning students, this video is for class 2nd EVS and we are studying the chapter 4. This is the part 2 video of chapter 4. So let's start. Put these food items in the correct group. यानी कि कुछ food items आपको दिए गए हैं और आपको उनको क्या करना है, groups में रखना है कि कौन से group का ये food है. तो तीन groups होते हैं, body building food, energy giving food and protective food. तो बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या आ जाएगा हम पढ़ते हैं पहले. बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा मीट और पीस. किस में आ गए, बॉडी बिल्डिंग फूड में. नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि एनर्जी मिलती है जिन फूड से, तो उसमें क्या आ जाएगा, राइस, घी, मीट, चीज़, ब्रेड, ऑयल, चॉकलेट एंड केक. थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं प्रोटेक्टिव फूड में, तो एप्पल्स, कैश्यू नट, स्पिनच, कैरेट, बनाना, ऑरेंज जूस, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है. वी नीड टू ईट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड इन आवर मील, सच अ मील इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड मील. तो हमें हमारे फूड में क्या ज़रूरत है, हमें हर एक टाइप का फूड रखने की, मतलब ये तीन जो ग्रुप्स हैं इन तीनों ग्रुप्स का कुछ ना कुछ फूड हमारे मील में ज़रूर होना चाहिए. और ऐसे मील को हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड मील कहते हैं. वी मस्ट इंक्लूड वाटर इन आवर मील्स. वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, इट हेल्प्स अस टू थ्रो वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और हमें अपने मील्स में क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वाटर की, क्योंकि वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पानी हम कब पीते हैं, जब हम थर्स्टी होते हैं, जब हमें प्यास लगती है. और ये क्या हेल्प करता है हमारी, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, कौन, वाटर. नेक्स्ट इज डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रूट सच एज क्यूकुम्बर्स, स्ट्रॉबेरीज एंड वाटरमेलन्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. तो क्या आपको पता है कि जैसे क्यूकुम्बर हो गया, खीरा, स्ट्रॉबेरी हो गई, वाटरमेलन हो गई, इन सारे फ्रूट्स में क्या होते हैं, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनमें पानी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है. फूड्स लाइक पिज्ज़ाज, बर्गर्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स टेस्ट गुड बट आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, दे आर नोन एज जंक फूड. तो जैसे कि पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर, चिप्स है ना, और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्हीं को बोलते हैं, तो आपको तो बहुत पसंद है वो पीना, लेकिन वो क्या है, वो टेस्ट तो अच्छा करती हैं लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जंक फूड कहते हैं.